everyone, welcome back to Adhyayan Classes. Myself Santosh Kumar. Today we are going to study a new poem from NCERT textbook, First Flight of Standard 10. The title of our poem is How to Tell Wild Animals. Here, tell means to identify, to recognize. How to identify wild animals. This poem has been written by Carolyn Wells. She was an American poet. Okay, students. I have sorted out some difficult words from the poem and here written on the board. I have also written their meanings. You can note down or you can take a screenshot. Okay, let us talk about our poem. How to tell wild animals. Wild animals को कैसे पहचानना है? यहाँ पे जो हमारे poet हैं, इस poem के through हमको कुछ wild animals को कैसे identify करना है, कैसे उनको recognize करना है? वो हमको बताते हैं. तो आइए हम लोग को अपना पोएम पढ़ते हैं और कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानते हैं कि हम उसको कैसे पहचानेंगे और जो पोएट हैं वो हमें किस तरीके से बता रहे हैं कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर पोएम. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. इफ यू गेट अ चांस टू गो इन द ईस्टर्न कंट्रीज, इन द फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके फॉरेस्ट में अगर आपको जब भी जाने का मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, आपकी तरफ एडवांस करते हुए कमिंग टूवर्ड्स यू अ ह्यूज अ बिग एनिमल, अ बिग क्रिएचर आपको दिखे आपकी तरफ आते हुए, जो टॉनी हो, जो ब्राउनिश हो और आपकी तरफ चला आ रहा हो. If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर वो आपकी तरफ अटैक करने वाला है और आपको ऐसा फील हो कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, I am about to die, तो समझ लेना कि वो Asian lion है. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow round, just notice if he eats you. फिर बोलते हैं, अगर जब आप कभी roaming करते हो, roaming round means अगर आप वहाँ पे कहीं wandering कर रहे हो, कहीं घूमने के लिए निकले हो, तो उस दौरान अगर कोई beast, कोई wild animal आपका welcome करने के लिए आता है सामने से और उसकी body पे black stripes हो, उसकी बॉडी पे जिसका बैकग्राउंड येलो हो, जो इसकी उसके स्किन का, उसकी बॉडी का बैकग्राउंड येलोइश कलर का हो और उस पर जो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, जो काली धारियां हैं, ये उस तरीके से आपको दिखे और जो आपको खाने के लिए आए, ऐसा लगे कि वो आपको ईट करने वाला है. दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि वो बंगाल टाइगर है. यू विल रिकॉग्नाइज इट इजिली. अगर इस तरीके से आपको कोई एनिमल दिखे तो समझ लेना कि वो बंगाल टाइगर है. अगले स्टेंजा में कहते हैं, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड. अगर उसके आगे आप स्ट्रॉलिंग करने, वॉकिंग करने के लिए जब जाएं, तो अगर कोई एनिमल आपको दिखे जिसकी बॉडी पे स्पॉट्स हों, स्पॉट्स पेपर्ड हों, स्कैटर्ड हों, उसके बॉडी पे ब्लैक स्पॉट पूरी बॉडी पे फैले हुए हैं, पूरी बॉडी पे काले काले धब्बे हों, स्पॉट्स हों, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड. और जैसे ही वो आपके ऊपर जंप करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए आगे बढ़े, तो समझ लेना कि वो लेपर्ड है. वो आपके ऊपर जंप करने वाला है, तो समझ जाइएगा कि दैट इज लेपर्ड. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. आप कितने भी दर्द से रोर करें, चिल्लाएं, लेकिन वो आपके ऊपर जंप करने वाला है और आप पे अटैक करने वाला है. आपके रोर करने का, आपके चिल्लाने का कोई भी मतलब नहीं होगा. If you are walking round your yard, you meet a creature there. मान लीजिए आप अपने आंगन में, अपने यार्ड में वॉकिंग कर रहे हैं और आपको कोई क्रिएचर दिख जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर.
जो आपको बहुत बहुत हार्डली आपको हग करे, आपको आलिंगन करे, तो समझ लेना कि वो एक बियर है, वो एक भालू है. इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेंस. अगर इतने पर भी अगर आपको डाउट है तो थोड़ा वेट करिए, वो फिर से आपको एक एक जेंटल टच देने वाला है, एक लवली टच देने वाला है, फिर से वो आपको आलिंगन करेगा, तो समझ लेना कि वो एक बियर है, एक भालू है. चलिए अभी हम अगला स्टंजा देखते हैं. दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस. मान लीजिए कि जो बीट्स ऑफ प्रे हैं द एनिमल्स विच हंट द अदर एनिमल्स, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं, ऐसे एनिमल्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो अ नोविस माइट नॉन प्लस, ऐसे एनिमल्स को पहचानने में जो जो नोविस लोग हैं, जो न्यू पर्सन है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जिनको उसके बारे में पता नहीं है, वो माइट बी कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज हो सकते हैं उनको पहचानने में. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस. जो क्रोकोडाइल है, हाइना है, हाइना इज अ वाइल्ड एनिमल, वी कॉल इट लकड़बग्घा इन हिंदी. ओके, तो जो क्रोकोडाइल है, हाइना है, उसको पहचानने में इजी होगा, यू कैन आइडेंटिफाई देम इजीली. बट हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स. जो हाइना है वो स्माइल्स करते हुए आएगा, अगर वो एनिमल स्माइल कर रहा है तो समझ जाइए कि वो हाइना है, लेकिन अगर वही वीप कर रहा है तो समझ जाइए कि वो क्रोकोडाइल है. अगले स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. जो ट्रू कमेलियंस हैं, जो असली कमेलियन है, वो बड़े छोटी साइज के होते हैं, जो लिजर्ड जैसा, छिपकली के जैसा दिखते हैं, उनकी प्रजाति के होते हैं. ही हैजंट एनी ईयर एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. उनको ना तो ईयर होता है, ना तो पंख होता है. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कमेलियन ऑन यू सी. अगर ट्री पे आपको कोई भी एनिमल, कोई भी क्रिएचर नहीं दिख रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे कमेलियन जरूर है. क्यों? क्योंकि जो कमेलियन है, जो गिरगिट है, वो अपना रंग बदलता है. आपने सुना है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना. इट कैन चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एटमोसफियर, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर लेता है, इसलिए लोग उसको जल्दी देख नहीं पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हियर यू हैव सीन द पोएम, यू हैव सीन ऑल द स्टेंजर्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेज, सम लिटरेरी डिवाइसेज ऑफ द पोएम. ओके, यहाँ पे जो पोएट है, उन्होंने जो आपके पोएम में पहला लिटरेरी डिवाइस यूज किया है, वो है एंजॉयमेंट. ओके, ये जो पोएटिक डिवाइस है एंजॉयमेंट, हमने इसमें क्या देखा था पिछले पोएम में भी, हमने इसके बारे में बताया था. एंजॉयमेंट क्या है? द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क. उस लाइन का जो कंटिन्यूएशन अगली लाइन तक विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क होता है, दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट. जैसे आपके पोएम में जो फर्स्ट लाइन है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, इसमें जो फर्स्ट लाइन है उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, न कॉमा है, न फुल स्टॉप है, वो डायरेक्ट कंटिन्यू हो रहा है दूसरी लाइन में. तो यहाँ पे ये एंजॉयमेंट फिगर ऑफ स्पीच है. ओके, जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है वो क्या है? वो है एलिटरेशन. एलिटरेशन क्या है, ये भी मैंने पिछले पोएम में बताया था कि जो द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के बिगनिंग में जो कॉन्सनेंट होता है उसका जो रिपीटेशन होता है कॉन्सनेंट साउंड का, दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन. जैसे हमारे यहाँ पोएम में है, जो आपके सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में है, रोमिंग राउंड, क्या है? रोमिंग राउंड. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो र साउंड हो है, यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी,
दोनों में र साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस र साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है एलिटरेशन फिगर आप इस पीछे है। ओके, और इसका एक एग्जांपल और है, ही हैज। तो यहाँ पे भी जो ह, यहाँ भी ह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी ह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे ह साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसका रिपीटेशन हो रहा है, तो ये यहाँ पे एलिटरेशन फिगर आप इस पीछे। ओके, फिर एक और पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज की गई है, वो है रिपीटिशन। ये रिपीटिशन क्या होता है? एक ही वर्ड का रिपीटिशन होना, या एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड का उसी लाइन में रिपीटिशन होना, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन। जैसे हमारे पोएम में एक है एग्जांपल, लेप लेप, यहाँ पे आपके थर्ड स्टंजा की लास्ट लाइन है लेप एंड लेप। यहाँ पे जो लाइन है, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। तो यहाँ पे लेप एंड लेप, यहाँ पे एक ही वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है उसी लाइन में, तो यहाँ पे रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया। फिर अगला हम फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? किसी स्पेसिफिक एनिमल को, पर्सन को, या किसी प्लेस को रिफर करना, तो वहाँ पे एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पोएम में जो फर्स्ट स्टंजा का की लास्ट लाइन है उसमें है द एशियन लायन। तो यहाँ पे जो एशियन लायन है, लायन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई स्पेशल, जो स्पेशल एशियन लायन है उसको यहाँ पे रिफर किया गया है, इसलिए यहाँ पे एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एक एग्जाम्पल है इसका, द बंगाल टाइगर है, इसको स्पेसिफिक बंगाल टाइगर के यहाँ रिफर किया गया है। वैसे तो टाइगर, देयर आर सो मेनी टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बंगाल टाइगर की, किसी स्पेसिफिक टाइगर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे एल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, अभी हम एक और पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, वो है पोएटिक लाइसेंस। जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है हमारा, वो है पोएटिक लाइसेंस। इसमें क्या होता है, जो पोएट होता है टेक्स लाइसेंस इन लैंग्वेज टू क्रिएट डिजायर्ड पोएटिक इफेक्ट। अपने मन मुताबिक पोएटिक इफेक्ट को एनहांस करने के लिए वो अपने हिसाब से जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं। जैसे हमारे पोएम में एग्जाम्पल है थर्ड स्टंजा की थर्ड लाइन, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन, ही हैज लेफ्ट ऑन। यहाँ पे जो एल ई पी टी है, एक्चुअली इसकी एक्चुअल स्पेलिंग है एल ई ए पी टी, लेफ्ट। तो यहाँ पे जो पोएट है इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने मन मुताबिक इसको पोएटिक इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे इसको चेंज कर दिए हैं। फिर इसी में आपके जो जो फर्स्ट स्टंजा में जो 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन है, इसमें डाइंग लिखा हुआ है, डी वाई आई एन, डाइंग लिखा हुआ है, एक्चुअली ये डाइंग है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से स्पेल किया गया है पोएटिक इफेक्ट देने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सीन पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोएम। नाउ लेट अस सी राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। आइए हम लोग अब राइम स्कीम देख लेते हैं। ओके, राइम स्कीम, जो फर्स्ट स्टंजा है
पहले इसका देखते हैं, फर्स्ट स्टंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है चांस, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ईस्ट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एडवांस, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बीस्ट, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड डाइंग, लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड लाइन। अभी देखते हैं हम यहाँ पे जो चांस है इसको हम डिनोट करेंगे ए से, तो ईस्ट इससे राइम नहीं कर रहा है तो इसको डिनोट करेंगे हम बी से। एडवांस, एडवांस राइम कर रहा है चांस के साथ तो इसको भी हम ए से डिनोट करेंगे। बीस्ट, बीस्ट राइम कर रहा है ईस्ट से तो इसको हम ये बी है तो इसको भी हम बी से डिनोट करेंगे। डाइन किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है तो इसको हम सी से डिनोट करेंगे, और जो लायन है वो डाइन के साथ राइम कर रहा है तो इसको भी हम सी से डिनोट करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टंजा है उसका हम राइम स्कीम क्या देखते हैं, ए बी सी सी, इसका राइम स्कीम क्या बन रहा है, ए बी सी सी। ओके लेट अस सी सेकंड स्टंजा। ओके यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके सेकेंड स्टंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है राउंड, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है यू, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड ग्राउंड, ग्राउंड नेक्स्ट यू, नेक्स्ट लर्न, डिस्टर्ब। तो ये राउंड है इसको हम ए से डिनोट करेंगे, तो राउंड इसके साथ राइम नहीं कर रहा है तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे। ग्राउंड ये राउंड के साथ राइम कर रहा है ठीक है तो इसको भी हम ए से डिनोट करेंगे। ओके यू, यू के साथ राइम कर रहा है तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे। लर्न किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है तो इसको सी से डिनोट करेंगे, और डिसर्न लर्न के साथ राइम कर रहा है तो इसको हम इसको भी हम सी से डिनोट करेंगे। तो इसमें क्या राइम स्कीम आया, ए बी सी सी, ए बी सी सी। तो हमने क्या देखा, इसमें भी सेम राइम स्कीम, सेकेंड स्टंजा में भी सेम राइम स्कीम। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस पोएम की सारे स्टंजाज में सेम राइम स्कीम है, जो स्टंजा थ्री है उसमें भी, स्टंजा थ्री में भी सेम राइम स्कीम है, फोर में भी सेम राइम स्कीम, फिफ्थ में भी सेम राइम स्कीम, और सिक्स में भी सेम राइम स्कीम। ओके तो सारे स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम है, ए बी सी सी। ओके स्टूडेंट्स हियर वी हैव सीन राइम स्कीम ऑफ द पोएम एंड वी हैव ऑल्सो सीन द पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पोएम। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी थ्रू योर कमेंट्स। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक, टिल देन कीप स्टडी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।